निवासी बलविंदर सिंह के बेटे को विवाह कर कनाडा ले जाने का झांसा देकर काजल निवासी ग्रोवर इनक्लेव कपूरथला ने अपने माता पिता के साथ कथित मिलीभगत करके 30 लाख रुपए हड़पे जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जांच के बाद थाना सिटी मोगा में काजल, उसकी माता कीर्ति तथा पिता सतीश कुमार सारे निवासी ग्रोवर इनक्लेव करतारपुर रोड कपूरथला के खिलाफ धोखाधड़ी तथा कथित मिलीभगत का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच सहायक थानेदार हरमेश लाल द्वारा की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक मोगा को दिए शिकायत पत्र में बलविंदर सिंह ने कहा कि उसके बेटे नमशरणदीप सिंह का विवाह अक्टूबर 2019 को काजल निवासी कपूरथला के साथ हुआ था, जिसने आईलेट्स में से 6.5 बैंड हासिल किए थे। काजल के माता पिता ने कहा कि वो उन्नति बेटी को विवाह करवा कर कनाडा भेज दे तथा सारा खर्चा भी उन द्वारा किया जाए। जब काजल कनाडा पहुँच गयी तो वह अपने पति को बुला लेगी। उन्होंने विश्वास करके काजल के विदेश जाने की सारी फीस तथा खर्चा करके उसको कनाडा भेज दिया, जिस पर हमारा 30 लाख के करीब खर्चा हुआ। लेकिन काजल ने अपने पति को विदेश नहीं बुलाया तथा जो फाइल उसने एम्बेसी में लगाई थी वह अधूरी होने के कारण केस रद्द हो गया, जिस पर हमने उनको कहा कि हमारे पैसे वापस कर दो या लड़के को कनाडा बुलाने के लिए काजल को कहूँ, लेकिन किसी ने उनकी कोई बात न सुनी तथा उनके साथ 30 लाख रुपए की ठगी की गई। बलविंदर सिंह ने कहा कि जब पंचायती तौर पर कथित आरोपियों से बातचीत की तो उन्होंने 30 लाख रुपए का चेक दिया था जो पंजाब नेशनल बैंक अमृतसर रोड मोगा में लगाया तो वह बाउंस हो गया। इस उपरांत कथित आरोपियों ने उन पर दबाव डालने के लिए तलाक का केस भी दायर कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि विवाद के बाद उनकी बहू काजल करीब 3 महीने उनके पास रही। इस तरह सारे कथित आरोपियों ने कथित मिलीभगत करके उनके साथ धोखा किया है। जिला पुलिस अधीक्षक मोगा ने इस मामले को गंभीरता से लेते इसकी जांच PI मोगा को करने का आदेश दिया। जांच के बाद जांच अधिकारी ने दोनों पक्षों को अपना पक्ष पेश करने के लिए बुलाया तथा जांच उपरांत शिकायतकर्ता के आरोप सही पाए जाने पर कानूनी राय हासिल करने के बाद कथित आरोपियों के खिलाफ उक्त मामला दर्ज किया गया। गिरफ्तारी बाकी है।